आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर का मिठाई, जो मुंह में खाते ही घुल जाता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो मेरी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, ये देखिए, और यहाँ पर गैस पर पैन रखा है और एक कप मैंने इसमें दूध डाला है। तो दूध में अच्छे से उबाल आने देती हूँ, तब तक पनीर को मैं अच्छे से मसल कर डो की तरह तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल ये सॉफ्ट रेडी हो गया है। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ और यहाँ पर दूध में भी अच्छे से उबाल है जो आ गया है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है और दूध में अच्छे से इसे मिला लेती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध में अच्छे से मिला लिया है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक कटोरी चीनी, ये देखिए, और इसे भी डालकर अच्छे से दूध में मिला लेती हूँ ताकि दूध में चीनी है जो अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ पर पूरी तरह से चीनी है जो दूध में घुल गया है, ये देखिए। अब मैं इसमें डालूँगी एक कटोरी से थोड़ा सा कम मिल्क पाउडर, ये देखिए। तो अब मैं इसको भी डाल लेती हूँ और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। तो इससे इस मिठाई में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो मिल्क पाउडर आप ज़रूर डालिएगा, और अगर नहीं है तो इसके जगह आप दूध का जो क्वांटिटी है थोड़ा बढ़ा लीजिए और उसे ही पका कर गाढ़ा कर लीजिए। तो देखिए, अच्छे से दूध में मिल्क पाउडर है जो मिल गया है। तो मैं इसमें मसला हुआ पनीर को डाल देती हूँ और इसे लगातार मिलाते हुए ही इसे गाढ़ा कर लूँगी। तो यहाँ पर गैस को भी मैंने ज़्यादा ही रखा है क्योंकि मुझे इसे गाढ़ा करना है। तो इसे लगातार इसी तरह मिलाते रहूँगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगी। अगर छोड़ दीजिएगा तो नीचे से ये चिपक जाएगा। तो ये देखिए, बिल्कुल ये रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 3 इलायची को कूट लिया है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसकी जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ मिला लिया है, गैस को मैं बंद कर देती हूँ। बिल्कुल ये रेडी हो गया है। यहाँ मैंने एक डब्बा लिया है और उसके ऊपर मैंने सिल्वर फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर दिया है। अब मैं मिश्रण को डाल देती हूँ और ऊपर से मैंने सूखा ड्राई फ्रूट डाला है। पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, नहीं तो इसे हटा सकते हैं, या तो अपने मनपसंद भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो इसे 1 घंटे के लिए मैं डीप फ्रीजर में डाल देती हूँ। तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो गया है। तो ये देखिए, मैं अपने मनपसंद शेप इसे काट लेती हूँ। आप चाहे तो अपने मनपसंद इसे शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर से मैंने काट लिया। ये सचमुच फ्रेंड्स खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मेरे घर में तो सभी को पसंद है, खास करके मेरी बेटी को। तो आप भी मेरी रेसिपी को घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम समय में और ये झटपट तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये आपको और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं मिलूँगी नई वीडियो के साथ।